ऑनलाइन क्राइम दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। ऐसा ही वाकया आज मनासा तहसील में देखने को मिला है, जिसमें दीपक धनगर ने हीरो मोटरसाइकिल फाइनेंस करवाई थी, जिसकी 3,168 रुपए की किस्त थी, जो फ्रॉडिंग द्वारा ऑनलाइन जमा करवा दी। जी, मेरा नाम दीपक धनगर है और मेरे द्वारा 16 जून 2021 को मारु शोरूम मनासा से मोटरसाइकिल हीरो कंपनी की HF डीलक्स निकाली, जिसका फाइनेंस मैंने हीरो फाइनेंस मनासा मारु शोरूम पर जो उपलब्ध है वहीं से करवाया, जिसकी प्रथम किस्त 3,168 रुपए की थी जो 1 अगस्त को जमा करवानी थी। इस बीच मेरे पास करीब 25 या 26 जुलाई को मैसेज आया कि आपके सिग्नेचर बैंक से मैच नहीं हो रहे हैं, जिसके कारण आपकी किस्त अकाउंट से नहीं कट पाएगी। और जस्ट उसके 31 जुलाई को मेरे पास कॉल आया कि सर आपकी किस्त कल है और आपके सिग्नेचर मैच नहीं हो रहे, तो आपकी किस्त अकाउंट से नहीं कट पाएगी, जिस वजह से आपको हमारे द्वारा दिए गए खाता नंबर पर आपको किस्त जमा करवानी होगी। तो उसके बाद मैंने 1 तारीख कुछ किस्त जमा नहीं करवाई, 2 तारीख को वापस मेरे पास कॉल आया और उस कॉल द्वारा जो खाता नंबर दिया गया उस पर मैंने 3,168 की किस्त जमा करवाई थी। उसके बाद आज 18 तारीख को मेरे पास हीरो फाइनेंस कॉल आया कि सर आपकी किस्त ओवरड्यू है, जमा नहीं हो पाई है। तो मैं शोरूम पर पहुंचा, वहां पर उनको ट्रांजैक्शन आईडी स्क्रीनशॉट वगैरह प्रूफ दिखाया, तो उनका कहना है कि ये एक फ्रॉड कॉल था, ये हमारी तरफ से कुछ भी नहीं था, आपकी किस्त जमा नहीं हुई। तो इस बीच मेरा यह सवाल है फाइनेंस कंपनी से कि मेरी इतनी निजी जानकारी हैकर के पास कैसे पहुँची कि मेरी किस्त 3,168 की है और मेरा सिग्नेचर मैच नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं फाइनेंस कंपनी की सिक्योरिटी पर भी सवाल उठता है। इस बीच में शोरूम वालों का कहना है कि यह एक फ्रॉड कॉल था, आपको शोरूम पर आकर बात करना थी, तो मैं कैसे मान लेता है जबकि मेरे पास कॉल आया, मुझे पूरी डिटेल बताई गई, जबकि गाड़ी का नंबर भी नहीं आया था। 46 नंबर हैकर के पास कैसे पहुंचा कि मेरी गाड़ी फाइनेंस है, 3,168 की किस्त है उसमें।